Hello students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the long answer type questions from the chapter acid bases and salts. तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास what are inorganic acids and give four general properties of such acids. Inorganic acids क्या होते हैं और इनकी properties क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है. सो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें हमारे मिनरल्स से बनते हैं, और वो मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है. जैसे आपका सल्फर हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, और आपके पास वो हो गया नाइट्रेट्स हो गए हमारे नाइट्रोजन के. तो इस टाइप से इनसे बनने वाले एसिड्स को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, जो हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हाईली कोरोसिव होते हैं. जब इन्हें पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, और पानी के साथ डिसॉल्व होके ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं. एंड इनके अलग अलग यूजेस होते हैं एंड ये केमिकल लैब्स में हमारे यूज होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लिटमस पेपर. अभी जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये लाइकन्स से मिलता है, ठीक है. लाइकन्स जो होते हैं हमारे उनसे मिलता है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर का सब्सटेंस मिलता है, जिससे हम फिल्टर करके जो हमारा कन्वेंशनल पीएच पेपर होता है वो बनाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है. तो इस टाइप से ये होता है. देन नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट फोर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस. बेसिक सॉल्यूशंस आपको पता है कौन से होते हैं, जो पानी के साथ डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं. एक प्रॉपर्टी तो इनकी यही होगी. सेकंड क्या होती है, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे होते हैं. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपके पास सॉल्ट्स की, इनकी आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस की, कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये क्या देते हैं आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं सॉल्ट एंड वाटर. तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस. इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया हुआ है कि इफ़ यू आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब कंटेन्स अ कलरलेस लिक्विड विच इज सस्पेंडेड सस्पेक्टेड टू बी ईदर एसिड और बेस. हमें एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है और उसमें हमें ये लग रहा है कि एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे. तो क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे मिनरल एसिड्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी करेंगे. उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ड्रॉपर की ज़रूरत है और रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की ज़रूरत है. तो मतलब जैसे एक्टिविटी हम स्टार्ट कैसे करेंगे अपनी, हमने सबसे पहले रेड लिटमस पेपर ले लिया और एक ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, और हमारे पास क्या है, एक ड्रॉपर है. हम ड्रॉपर की हेल्प से वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड है जो एसिड या बेस हो सकता है, ड्रॉपर में उसको क्या कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, ठीक है. और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको किस पे गिराएंगे, पहले रेड लिटमस पे गिराएंगे, और रेड लिटमस पे गिरा के हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर तो वो हुआ एसिड तो वो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही रेड है. तो अगर वो हुआ एसिड तो रेड लिटमस में तो वो कोई चेंज करेगा नहीं, बट अगर हम उसे ब्लू लिटमस के ऊपर ड्रॉप से गिराएंगे तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो एसिड हुआ तो, ठीक है. तो ब्लू लिटमस पेपर से हमें पता चलेगा कि अगर वो एसिड हुआ उसके ड्रॉप्स अगर हम उस पर गिराएंगे तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट अगर वो बेस हुआ, जैसे हमने एसिड के बारे में बात की थी, तो रेड कलर पे कोई चेंज नहीं कर रहा था. तो अगर मान लो वो लिक्विड के अंदर, वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास बेस हुआ, हमने ड्रॉपर से उसको भरा, अगर हम ब्लू वाले लिटमस पेपर के ऊपर गिराएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर उसी सेम लिक्विड को हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर गिराएंगे तो आपको पता है कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो इस टाइप से वो क्या कर देगा, उसमें कन्वर्जन कर देगा. तो बाय डूइंग दिस एक्टिविटी यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज एन एसिड और अ बेस. अब आप बोलेंगे कि सर हम टेस्ट करके भी तो बता सकते हैं, क्योंकि एसिड का टेस्ट और होता है और बेस का जो हमारा जो बेस होता है उसका टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है. बट आपको नहीं पता कि वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या क्या है, ठीक है. तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, ओके. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग लिटमस पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें बताना है कि एक हमें कॉमन सॉल्ट लेना है और एक कॉमन एसिड लेना है, और उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना है. तो अगर हम सबसे पहले कॉमन
एसिड की बात करें तो वो हम HCl ले सकते हैं, और कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl जो हमारे घरों पे होता है। तो जो HCl होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर होता है किससे, मिनरल्स से, मिनरल्स से मिलके बनता है, जो मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में होते हैं। और अगर हम आप इसको बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, और अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व कराते हैं तो आपको H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और ये पानी में डिसॉल्व होकर उस पानी को क्या बना देगा, इलेक्ट्रोलाइट बना देगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एसिड की प्रॉपर्टीज़ होगी हैं। अब अगर हम बेस के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो सॉल्ट के साथ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमारा NaCl है, तो सॉल्ट क्या होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोडक्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन का। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, जब एक एसिड बेस के साथ मिलता है तब होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। तो क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है हमारा वो वाटर और सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट को ना तो आप एसिडिक कह सकते हैं ना बेसिक कहेंगे। बट अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तब आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनको अलग अलग, कि एसिड अलग है हमारे पास और बेस क्या है, अलग है। इस टाइप से हम सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम सॉल्ट को भी मोल्टन स्टेट में लेते हैं या उसकी एक्वस स्टेट में लेते हैं तो उसमें भी हमें आयंस मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है, सॉल्ट से। तो अगर दोनों में कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों में मिनरल है क्लोरीन, वो HCl में भी है और वो NaCl में भी है। तो इस टाइप से इन दोनों के बीच में क्या आ गई, एक सिमिलैरिटी आ गई है हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स। और अगर डिसिमिलैरिटी की बात की जाए तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक था और बेस क्या था, ये जो हमारे पास सॉल्ट था ये क्या था, न्यूट्रल था, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। देन विल बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रेट सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेट सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वो होते हैं जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है उन्हीं के क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CuSO4.5H2O क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अटैच्ड हैं, ओके। देन अगर आप उसको हीट करते हैं किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एनहाइड्रस वाले सॉल्ट्स हैं वो एनहाइड्रस बन जाता है, ठीक है। और एनहाइड्रस क्यों बन जाता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। बट अगर आप दोबारा से किसी एनहाइड्रस सॉल्ट को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको फिर से हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाएंगे, मतलब वो जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में पहले था आपका सॉल्ट वही मिल जाएगा, ओके। तो ये डिफरेंस होता है हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, जब कम्प्लीटली हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड पूरी तरह से बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और जो सॉल्ट बनता है, जिसमें ना एसिडिक पोर्शन होता है ना बेसिक पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद बेसिक सॉल्ट आ जाता है हमारे पास। बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब एक बेसिक सॉल्ट मतलब फर्दर रिएक्ट कर सकता है किसी एसिड के साथ नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट हमारा तब बनता है जब उसके पास हाइड्रोजन आयन एटम्स होते हैं, और जब उसको डिसॉल्व किया जाए तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। सो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बिटवीन न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल के लिए तो बस आपको इतना याद रखना है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, जो बेस आ रहा है जो सॉल्ट आ रहा है ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। और बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और जो सॉल्ट हमें हमारे पास आ रहा है उसके पास बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो फर्दर न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है। और अगर एसिडिक सॉल्ट्स की बात की जाए तो उनमें भी क्या होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वो कम्प्लीटली क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो सॉल्ट उन्होंने प्रिपेयर किया है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की प्रेजेंस है, और इसलिए जब उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा तो वो क्या करेगा, इसमें हमें एसिडिक सॉल्यूशन की तरह उसको प्रिपेयर करेगा वो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।